हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था, तो हनुमान जी महाराज को लंका जलाने की तपन रहती थी शरीर में। उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज करके भगवान जाते हैं साकेत धाम को, यानी वैकुंठ लोक। उस समय हनुमान जी महाराज भगवान के चरण सेवा में रहते हैं। एक दिन बोले भक्त हनुमान, मैंने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था वह कार्य मेरा पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ साकेत धाम को, और आपको इसी मृत्युलोक पे रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें इस मृत्युलोक पे क्यों रहना पड़ेगा। उस समय भगवान राम हनुमान जी महाराज को बतलाते हैं कि भक्त हनुमान याद करिए, जिस समय आप लंका को गए थे माता जानकी की खोज के लिए, तो अशोक वाटिका में माता जानकी अशोक के पेड़ के नीचे बैठे पति वियोग में अपने प्राणों को परित्याग कर रहे थे। आपने उसी समय जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा की और मेरी दी हुई मुद्रिका किताब को अजर और अमर का आशीर्वाद दिया। रामायण में चौपाई आती, अजर अमर गुण नित्य सुत हूँ, करहूँ बहुत गुनायक हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको कलयुग में रहने का आशीर्वाद दिया, इसलिए भक्त हनुमान आप हमसे कुछ मांगिए। हनुमान जी ने कहा, जब से मैंने रावण की लंका जलाई है वो लंका जलाने की तपन मेरे शरीर के अंदर व्याप्त रहती है। आप मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जिससे मैं आपके 12 महीना दर्शन कर सकूं। भगवान राम ने हनुमान जी को बतलाया है कि तीर्थों का राजा मैंने प्रयागराज जी को बनाया है, सब तीर्थों के राजा हैं, और चित्रकूट के राजा हैं राघव प्रयाग। भगवान राम हनुमान जी महाराज को अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम में हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार के सरस्वती गंगा प्रकट किया। ये गंगा सरस्वती है, ये वही सरस्वती है जिनको भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मंथरा के मुख में बैठ के इन्होंने भगवान राम को वनवास कराया था, और सरस्वती मैया ने पूछा कि इसका उद्धार कैसे होगा। तब भरत जी ने बताया, भरत स्वयं विष्णु है, भरत जी ने बताया कि इसका उद्धार श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा होगा। हनुमान जी को लाकर के यहाँ स्थान दिया है, इनकी 5 चीज से पूजा किया। ये सरस्वती मैया यहाँ भी सहायता कर रही है, और यही सरस्वती मैया लंका में भी हनुमान जी की सहायता की। जब रावण ने इनको मृत्युदंड के लिए कहा तो विभीषण जी आए और बोले, दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, आप कुछ दूसरा दंड प्रयोजन करिए। तब विभीषण जी ने कहा कि इनके पूंछ में आग लगा दिया जाए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय शारद मैं जाना। हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये शारदा जी की वाणी है, शारदा ही सरस्वती है। हनुमान जी को लाकर के यहाँ इनका 5 चीज से पूजा किया। पहली पूजा तेल सिंदूर चोला करता है, एक झंडा, एक लंगोटा देसी घी का रोट, और 5वीं पूजा फल। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरु रूखा। हनुमान जी महाराज को फल बहुत प्रिय है। बाबा के दरबार से कंधे पे महामंत्र का गदा लगता है, संजीवनी बूटी का तावीज दिया जाता है, जो घर तक जाएगा संकट विपत्ति में काम आएगा। यानी कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। बोलिए हनुमान धारा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जो भोग प्रसाद लाए हनुमान जी को चढ़ेगा, चढ़ करके वापस हो जाएगा, सेवा करे।